मेहता का उल्टा चश्मा। आहा भाऊ, पनवेल से खंडाला तक का पूरा चक्का जाम है। अरे बाप रे। अरे लेकिन चक्का जाम क्यों है? अरे वो अपनी मांग को लेकर किसी ने मोर्चा निकाला है, रास्ता बंद करो आंदोलन कर रहे हैं। शाम तक तो रास्ता खुलने वाला है नहीं। ये मोर्चे को भी आज ही निकलना था। बाबा हम इतने ट्रैफिक में गए तो फिर शाम से पहले हम नहीं आ पाएंगे। हाँ हो, खंडाला जाने का प्लान कैंसिल कर देते हैं। आपका फोन बज रहा है, फोन उठाइए ना। कौन है? अननोन नंबर है। कट कर दो, मूड नहीं है बात करने का। ओ, बात तो कीजिए, कुछ काम का होगा। कीजिए। हेलो जानू, मेरा फोन उठाने में इतनी देर क्यों कर दी? हेलो, मुझे कोई बात नहीं सुननी तुम्हारी। आज वैलेंटाइन डे के दिन भी मिलने नहीं आए और अभी तक हैप्पी वैलेंटाइन डे का मैसेज भी नहीं किया। Excuse me? अरे क्या excuse me? पहले मुझे happy Valentine's Day sweetie कहो। अरे कौन बोल रही है आप? क्या आप? ओ, लगता है वो तुम्हारी अड़ियल वाइफ घर पे ही है। Excuse me आंटी, firstly मेरी आई अड़ियल नहीं है and for your kind information फोन स्पीकर पे है और मेरी आई सब सुन रही है। लगता है रॉन्ग नंबर लग गया। सॉरी सॉरी। कम वाले आजकल कहीं भी नंबर लगाते हैं। माधवी तुम मुझे ऐसे गुस्से में क्यों देख रही हो? रुको माधवी रुको। अरे सच में ये रॉन्ग नंबर था? अरे कसम, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है माधवी? मुझे पता है आप पर पूरा भरोसा है, मैं ऐसे मजाक कर रही थी। डरा दिया तुमने मजाक करके। सोनू तुझे पता है हमारी शादी से पहले मेरे घर बहुत रॉन्ग नंबर्स आते थे। ओ, कैसे आई? अगर हमारी शादी से पहले ना तेरे पापा मुझे मेरे घर पे फोन किया करते थे, लेकिन फोन मंदार मामा या तेरे आजूबा उठा देते, तो ये रॉन्ग नंबर कह के फोन रख देते थे फटाक से। ओहो, तो मतलब आप दोनों की बात नहीं हो पाती थी? नहीं नहीं होती थी ना, पर पता है तेरे पापा क्या करते थे? अरे माधवी बात दाता, तुम भी कहां पुरानी बातों को लेकर बैठ गई। नहीं नहीं आई, बताओ ना। बाबा के रिएक्शन से लग रहा है कि कोई बहुत फनी बात है। तो फनी मुझे कहा है, मस्त फनी। क्या होता था, ये मुझे फोन करते थे लेकिन लड़की की आवाज में बात करते थे। पूछते थे मधु है, मैं उसकी सहेली अकमन बोल रही हूँ। फिर मंदार बाबा या तेरे आजूबा मुझे फोन देते थे, फिर हम लोग घंटों बात किया करते थे। बाबा लेकिन आई, मंदार मामा तो बहुत स्मार्ट है, तो वो बाबा की आवाज नहीं पहचान पाता था? अब नहीं, ये लड़की की आवाज एकदम हूबहू निकालते थे। yes. और पता है इनके बाल भी लंबे थे और लड़की की आवाज भी निकालते थे, तो गांव की नाटक मंडली इनको हमेशा लड़की का ही रोल दिया करती थी। नहीं कहो बाबा, वो गोकुलधाम संगीत सम्राट में आपने एक गाना गाया था लड़के और लड़की दोनों की आवाज में। हाँ। वो गाना सुनाइए ना। अरे नहीं अभी कहाँ सुनूं। हाँ ये ऐसा ही करेंगे, सबके सामने गाना गाएंगे लेकिन हम दोनों के सामने नहीं गाएंगे। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा नहीं तो गाइए फिर। ठीक है, फैमिली की फरमाइश में कैसे डाल सकता हूँ। बाबा आप में तो सुपर टैलेंट है। यस। एक काम करती हूँ, मैं टप्पू को कहती हूँ कि आज शाम के फंक्शन में आपकी एक स्पेशल परफॉर्मेंस रखे और उसमें आप यही गाना गाना और मैं अनाउंस करूंगी अ स्पेशल परफॉर्मेंस बाय एक मेल सेक्रेटरी आत्माराम तुकाराम भिड़े। चलो अभी बहुत हो गया हंसी मजाक, रात की बात रात को। हाँ चलो अभी जाओ जाओ स्टडी करो जाओ। हाँ चल भाई चल, तेरे बाबा का मजाक करने का आज का कोटा खत्म हो गया है, अभी मजाक कल करेंगे। अरे जाना था। थोड़ा बहुत भी हंसी मजाक कर लो लेकिन रात के फंक्शन का टेंशन तो है ही, दिमाग से जा ही नहीं रहे। क्या करूं क्या करूं, मिल गया आइडिया। लड़की की आवाज निकाल कर मैं माधवी से बात कर सकता था तो फिर टप्पू से क्यों नहीं। यस, क्या आइडिया मिला है। ए माधवी, ए माधवी। हां काय झालं? मैं जरा बाहर जाके आता हूँ। काय जा रहे हो? सोसाइटी का अर्जेंट काम है, अभी करके आता हूँ। अमिका बेटे आओ। बस अब फोन का
अब देखना मेरा कमाल टप्पू। अरे लैंडलाइन नंबर से फोन। हेलो। हेलो टप्पू। हाँ टप्पू बोल रहा हूँ, कौन? हैप्पी वैलेंटाइन डे। हैप्पी वैलेंटाइन डे। सॉरी मैंने तुम्हें पहचाना नहीं, कौन? दरअसल मैं तुम्हारे कॉलेज में पढ़ती हूँ, रोज तुम्हें देखती हूँ लेकिन तुमसे कभी बात करने की हिम्मत नहीं हुई। ओके लेकिन मुझे क्यों फोन किया? वैलेंटाइन डे विश करने के लिए फोन किया है टप्पू। वो क्या है ना, आज मैंने अपने घर में पार्टी रखी है तो मैं तुम्हें इनवाइट करना चाहती हूँ। लेकिन मैं तो तुम्हें जानता तक नहीं। हाँ तो मिलोगे तो जान जाओगे ना टप्पू। देखो टप्पू, मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए पार्टी ऑर्गेनाइज की है, तुम्हें आना ही होगा। मना करके मेरा दिल मत तोड़ना प्लीज। मैं ना पार्टी में सबके सामने तुम्हें अपने दिल की बात कहना चाहती हूँ। देखो मेरा दिल किसी और की अमानत है और मैं किसी और को पसंद करता हूँ। मैं उसे दिलो जान से चाहता हूँ, वो मेरी रूह रूह में बसी है और उसके बिना तो मैं अपनी जिंदगी सोच भी नहीं सकता। उसी के लिए आज मैंने एक स्पेशल पार्टी भी रखी है। सॉरी मैं नहीं आ पाऊंगा। एंड यस ऑल द बेस्ट कि तुम्हें भी मेरे पार्टनर जैसा बेस्ट पार्टनर मिले। बाय। क्या कर रहे थे? क्या फोन पर क्या कर रहे थे? लड़की की आवाज निकाल कर किसी भोले वाले लड़के को फंसा कर ब्लैकमेल कर रहे थे ना? ओ सुनो भाई सुनो, आओ जरा उधर आओ। अरे सबको क्यों बुला रहे हो? देखो ये आदमी क्या कर रहा था ये। अरे अरे ये क्या कर रहा है? ये फोन पे लड़की की आवाज निकाल कर किसी भोले वाले लड़के को फंसा कर उसे ब्लैकमेल करने का धंधा कर रहा था ये। अरे नहीं, आपको गलतफहमी हो रही है, दरअसल क्या हुआ मैं रुको आराम। अगर इनको सच बता दिया और गोकुल नाम वालों को पता चला कि तुमने लड़की की आवाज में टप्पू को प्रपोज किया है तो तुम्हारी क्या इज्जत रहेगी? अरे नहीं नहीं, देखिए भाई साहब को गलतफहमी हो रही है, दरअसल मैं फोन पे लड़की की आवाज निकाल रहा था लेकिन मैं दोस्त के साथ बात कर रहा था, मैं उसको अप्रैल फूल बना रहा था। अप्रैल फूल? फरवरी में। अरे पता है मेरे भाई के साथ भी ऐसा ही हुआ था, ऐसे ही एक लफंगे ने मीठी मीठी बातें करके मेरे भाई के पैसे लूट लिए थे। अरे नहीं नहीं, आपको गलत फहमी हो रही है, देखिए मैं एक शिक्षक हूँ। शिक्षक? झूठ बोलते हो, एक शिक्षक कभी ऐसा नहीं करेगा। अभी रुको पुलिस को बुलाते। अरे कहाँ फंस गया? अरे नहीं नहीं, देखिए। अरे इंस्पेक्टर साहब, अच्छा आप यही मिल गए। मुश्किल से बच गया देवा, वरना आज तो बरसों से बने मेरी इज्जत और सम्मान मिट्टी में मिल जाता, किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहता। बगा बगा बगा, डेकोरेशन हो रहा है। ये टप्पू का प्लान जितना मैं फ्लॉप करने जाता हूँ मुंह के बल गिरता हूँ, और ये टप्पू कुछ नहीं कर रहा है फिर भी सफल हो रहा है। क्या करूं, कैसे रोकूं टप्पू को, कैसे रोकूं? मस्त भिड़े भाई। अरे याद क्या मस्त है भिड़े भाई, आप मस्त लग रहे हो। क्या जींस टी-शर्ट, वाह एकदम ऐसा यंग लग रहे हो। भिड़े भाई वो अब अभी से तैयार हो गए ना, फंक्शन तो रात को है ना? अरे पता है मुझे रात को 8:30 बजे फंक्शन है, पता है मुझे। नहीं नहीं, मैंने आपको तैयार देखा ना इसलिए बोल दिया। लेकिन भिड़े भाई सुबह से मैं आपको कंपाउंड में ही देख रहा हूँ। हाँ तो सुबह से तुम भी तो मुझे कंपाउंड में ही दिख रहे हो, दुकान पे तो दिखे ही नहीं हो। वो डिलीवरी के लिए गया था, डिलीवरी हो गई है, अब मैं दुकान पे जा रहा हूँ। हाँ तो जाओ जाओ। हाँ जाता हूँ दुकान पे आता। क्या चल रहा है आपका, कभी खुशी कभी गम, क्या हुआ आपको? नहीं कुछ नहीं, गर्मी गर्मी काफी गर्मी है, मतलब
देखना माधुरी, इस साल गर्मी बहुत ज्यादा होने वाली है, जरा पानी मिलेगा मुझे? हाँ आंटे ना। बाप रे, आज एक दिन में झूठ बोलने का रिकॉर्ड कर दिया है मैंने, क्या करूँ, अच्छा नहीं लगता, बेटी के लिए बोलना पड़ रहा है और मेरे सारे प्लान फ्लॉप होते जा रहे हैं। हाँ। हाय बाबा, मैं बहुत कंफ्यूज हूँ, आज के फंक्शन में कौन सी ड्रेस पहनूं? जाना है फंक्शन में? जाना है फंक्शन में, कोई भी ड्रेस पहन देना सोनू। हाँ पर कौन सी ड्रेस में ज्यादा अच्छी लगूंगी? अरे तू ड्रेस में नहीं, ड्रेस तुझ पे अच्छी लगती है, तू कौन सा भी ड्रेस पहन, बहुत अच्छी लगेगी, सुंदर परी की तरह एकदम। थैंक यू आई, पर सिलेक्टर ने मैं हेल्प करूँ ना, ये वाला, क्या ये वाला? हाँ रेड कलर का पहनना, नहीं को? रेड क्यों पहनना है? वैलेंटाइन डे है ना, तो रेड कलर ही पहनते, और टप्पू ने बोला है। हाँ कर लो कर लो कर लो। हाँ तो रेड पहनना पड़ा, उस तो दिसेल। हाँ ये परफेक्ट। आई अंदर आके मेरी इयररिंग्स चूज करने में हेल्प कर दो। हाँ मैं आ गया। अच्छा आपने मुझे बोला ही नहीं, आप कौन से कपड़े पहनने वाले हैं? नहीं पहनने मुझे कपड़े। हाँ इशू? नहीं फंक्शन में नहीं जाना है माधवी। ओ काय चल रहा है तुमसा, अभी तक तो आप वैलेंटाइन डे मनाने के लिए इतने खुश थे, खंडाल जाने का प्रोग्राम बनाया और गोकुल धाम फंक्शन में जाने के लिए भी कितने खुश थे आप, अभी अचानक क्या हुआ आपको? नहीं वो क्या है, थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, मतलब सर में दर्द लग रहा है कब से और वो बढ़ता ही जा रहा है। हाँ तो कहीं नहीं, मैं आपके लिए मस्तबे की मसाला चाय बनाती हूँ, ये सर दर्द वगैरह सब निकल जाएगा। हा? नहीं नहीं माधवी, मसाला चाय पीने से कुछ नहीं होने वाला, मतलब बहुत अनइजी फील कर रहा हूँ मैं। फिर ऐसा है तो हम नहीं जाते हैं फंक्शन में, सोनू को बोलती हूँ तू अकेले जा। हाँ अरे रुको रुको माधवी, मेरे हिसाब से तुम सही कह रही हो, शायद मसाला चाय पीऊंगा ना तो सिरदर्द ठीक हो जाएगा, वो अदरक थोड़ा ज्यादा डालना। हाँ हाँ मसाला चाय मुझे अदरक तो डालूंगी ना, मैं वही बोल रही थी, फ्रेश हो जाएंगे आप और रात के फंक्शन में जाओगे ना तो और अच्छा लगेगा आपको। देखना टप्पू ने शानदार फंक्शन आयोजित किया होगा आज रात को। टप्पू तू कितना भी शानदार फंक्शन कर ले, तेरा कुछ भी प्लान में सफल नहीं होने दूंगा, ये हाथ मारा तुकारा भिड़े तेरे और सोनू के बीच में दीवार बनकर खड़ा हो जाएगा, मुझे कोई भी मर्यादा पार नहीं करने दूंगा टप्पू, और अगर तूने कोई मर्यादा पार की तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। Happy Valentine's Day, Babita ji. Happy Valentine's Day to you too. Datalal, Valentine's Day nahi, Happy Valentine's Day. Dear bhai, tumhe bhadiya par ganiya nahi. अरे ये सब चीज में शब्द का महत्व तो नहीं होता है, दिल की भावना का महत्व तो होता है। दलाल तुम कभी सुधरेगा नहीं। मुझे सुधरना भी नहीं है। वैसे आज टप्पू सेना ने यहाँ का माहौल बहुत रोमांटिक बना दिया है ना? अरे एकदम जबरदस्त सजावट तो देखो है मेहता साहब। अरे पूछो मत जेठालाल, कमाल कर दिया बच्चों ने तो भाई, क्या बात है, बहुत बढ़िया सजाया है, बहुत क्या मस्त है ना सजावट, बढ़िया सजावट। हाँ ऐसा लग रहा है कि कॉलेज के दिन वापस आ गए। हाँ क्या तू कभी गया था कॉलेज? हाँ मतलब अंदर नहीं गया, बाहर से तो कॉलेज देखी है बापूजी, मैंने बहुत सारी देखी है। कॉलेज के दिनों से याद आया, हमारे शिक्षक कहाँ है भाई, भिड़े भिड़े नहीं आया अभी तक आज। सही बात है, सब लोग आ गए पर भिड़े मास्टर अभी तक नहीं आए। मैं हमेशा टाइम पर आने वाले हमारे एक में सेक्रेटरी साहब आज लेट कैसे हो गए? आने दो उसको, आज मैं उसके बराबर खबर लेता हूँ। मुझे कभी कभार लेट हो जाता था, वो मुझे ऐसे डांटता जैसे मैं उसका कोई विद्यार्थी हूँ। आज तो शिकारी का ही शिकार होगा। अरे चल ही रहा हूँ ना, चल काय सगळं मध्ये आहे। लो जी आ गया शिकार। क्या मस्त डेकोरेशन किया है। या 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 लेट सेक्रेटरी साहब, या काय लेट झालं तुम्ही आज? मैं तो आना ही नहीं चाहता था। क्या नहीं मजाक कर रहे हैं, ये मजाक कर रहे हैं। अच्छा देखो माधवी ठीक से देखो,
यहाँ पे सभी नजर आ रहे हैं सिवाय टप्पू के, कोई नजर नहीं आ रहा है। आपको वो टप्पू दिखा तो भी प्रॉब्लम, नहीं दिखा तो भी प्रॉब्लम, आए नक्की। मीका बंटे आप ना वो टप्पू शब्द है ना वो दिमाग से निकाल ही दो। नक्की नक्की आज ये टप्पू जरूर मेरी सोनू को प्रपोज करेगा। अरे और दूसरी कोई सरप्राइज हो ही नहीं सकती। जेठालाल मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर आज टप्पू ने कुछ गड़बड़ करके मेरे परिवार का दिल दुखाया ना तो मैं छोड़ूंगा नहीं उसे। अरे ये भेड़े को हो क्या गया? सुबह मेरे घर पे आके मुझे डांट रहा था, फिर कंपाउंड में नाच रहा था, अभी फिर से मुझे डांट रहा। कहीं सच में इसकी डागड़ी चशक तो नहीं गई? ओ जेठालाल तुमने सुना ना मैंने क्या कहा? हाँ सुना ना। तो बोलो कुछ। अरे भाई क्या बोलूं मैं भिड़े, सुबह जब तू मेरे घर पे आया था तेरे सामने तेरे कहने पे मैंने टप्पू को फोन लगाया था, और तूने सुना ना टप्पू ने क्या कहा कि कोई गड़बड़ नहीं होगी तो नहीं होगी भाई। अबे तू टेंशन मत ले भाई, इतनी बढ़िया सजावट है वो तो देख जरा है, और फंक्शन चल रहा है बढ़िया, जरा उसका आनंद उठा। सुनिए गोकुलधाम वासियों, आज वैलेंटाइंस डे के मौके पर हम टप्पू सेना ने इस शानदार फंक्शन का आयोजन किया है। आज है वैलेंटाइंस डे। वैलेंटाइंस डे मतलब प्यार का दिन, खुशी का दिन। हम सब गोकुलधाम वासी एक दूसरे के साथ प्यार से रहते हैं, एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। और आज के दिन को कपल का दिन कहा जाता है। आज प्यार करने वाले प्यार का इजहार करते हैं, और आज दिल से आप सभी के लिए एक छोटी सी सरप्राइज होगी जो आप सभी को बहुत पसंद आएगी। एक्साइटेड ये बोलिया क्या क्या बोल के रहे हो तुम? कुछ नहीं भिड़े अंकल, जस्ट वेट एंड वॉच। पेशेंस में वेट एंड वॉच मुझे करना क्या? अरे सुनो तू इधर से ना। वो इधर से थी। हाँ 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 नक्की ये टप्पू की हरकत है। और पेड़ो क्यों हो गया? और लाइट क्यों चली गई भाई? अरे मारा ना है भाई छोड़ी। अरे देखो मुझे लगता है कि कुछ प्रॉब्लम हो गया है, शायद फ्यूज व्यूज उड़ गया होगा, अभी लाइट वापस नहीं आएगी, चलो घर जाते हैं चलो। अरे घर क्या चलते हैं, अभी तो हम लोग ने खाना भी नहीं खाया। अरे अंधेरे में कैसे खाएंगे खाना आती भाई, चलो चलो। मेरे दिल वाले गोकुलधाम वासियों, आज की इस प्यार की महफिल में आप सभी का स्वागत है। स्वागत है हमारा। और जिस सरप्राइज का आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं वो घड़ी अब आ चुकी है, लेकिन उससे पहले मैं सोनू को स्टेज पे बुलाना चाहूंगा। सोनू जा जा बेटा जा जा। धड़कने बेकाबू है इस वक्त मेरे दिल की, मैं जानता हूं आपका भी दिल बहुत तेजी से धड़क रहा है। क्यों ना हो भाई, टप्पू ने सोनू को स्टेज पे बुला लिया है तो इसका मतलब यह है कि टप्पू अब सोनू को प्रपोज ही करेगा। प्रपोज करेगा टप्पू सोनू को, तो सोचिए सोनू के पिता यानी कि भिड़े किस तरह से रिएक्ट करेंगे, और टप्पू के पिता और दादा यानी कि जेठालाल और चंपक चाचा कैसे रिएक्ट करेंगे, और हम सब गोकुलधाम निवासी कैसे रिएक्ट करेंगे। अब देखने वाली बात ये होगी कि रिएक्शन चाहे जैसा हो लेकिन यहां बहुत बड़ा
एक्शन होगा जिसका रिफ्लेक्शन आपके चेहरों पे हंसी के रूप में होगा, लेकिन ये जो भिड़ा नाम का ज्वालामुखी है यहाँ ये फटने वाला है, और जब ये फटेगा तो भिड़े परिवार और गड़ा परिवार के बीच में होगा खतरनाक मुकाबला, एक ऐसी जंग जिसे देखने के लिए आप तैयार रहिए। यानी कि गोकुल धाम के इस कंपाउंड में ये जो क्लब हाउस है इसमें कल बहुत बड़ा हंगामा होने वाला है, क्या होगा ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए हंसते रहिए। हेलो दोस्तों, अगर आपको तारक मेहता का उल्टा चश्मा के अपडेट्स सबसे पहले चाहिए तो जाइए हमारे YouTube चैनल पर और सब्सक्राइब कीजिए।